इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट गेट पर। यहाँ कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे जानकारी उठाएंगे क्या है पूरा मामला, क्या पूरी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वकील अहमद उर्फ रियाजुद्दीन सैफी है और आपके हकीकत के अखबार के उससे माध्यम से हम अपने डबल खबर तहकीकात के उससे हम जो ये यहाँ आए हैं राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी दी जाए, उन पर जो अत्याचार हुए हैं वो रोके जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार ने नारा दिया है ये बिल्कुल फेल हो चुका है। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जो जो राबिया सैफी सरकारी नौकरी में थी, 4 महीने उनको नौकरी करते करते हुए जब सरकारी आदमी और सरकारी ऑफिस में महिला सुरक्षित नहीं है तो देश में या घर में आम बेटी कैसे सुरक्षित होगी। तो हमारी मांग यही है कि राबिया जो सैफी है इसके जो हथियार हैं उनको फांसी दी जाए। और जानकारी दे रहे जो राबिया सैफी है ये कहाँ की रहने वाली थी, क्या काम करती थी, कब से इनकी पोस्टिंग हुई थी, क्या पोस्टिंग थी, कहाँ करती थी और कहाँ रहती थी, कहाँ जॉब करती थी? राबिया सैफी जो हैं ये मुरादाबाद की रहने वाली थी और दिल्ली में संगम बिहार में रहती थी। दिल्ली में DM ऑफिस में ये काम करती थी। इन्हें 4 महीने वहाँ काम करते हो गया है। ये उसके अब 28 तारीख में ये शाम को घर नहीं लौटी। इनके 26 तारीख में सॉरी तो ये घर नहीं लौटी। तो घर वालों ने इंतजार मतलब फ़ोन करे इधर उधर, ऑफिस भी गई वहाँ से कोई खबर नहीं मिली। रात भर उन्होंने इंतजार करा, सुबह को उन पर खबर आई कि हाँ इस तरह उनके साथ ही ऐसे मामला हो। रात को वो उनकी मची थी तो ढूंढर मचने के बाद वो SSP ऑफिस भी गए थे, वहाँ जो चौकी है चौकी पर भी गए थे, वहाँ उन्होंने जाँच पड़ताल भी की, वहाँ कोई जानकारी नहीं मिली। फिर वो DM ऑफिस पर गए थे, वहाँ कुछ उनको सहूलियत मिली कि उनको पता पड़ा कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है और मारी गई है, ऐसी पूरी जानकारी है? हाँ नहीं, हमारा मानना यही है कि देखिए बेटी को सुरक्षित होनी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है वो है बेटी। अगर कोई किसी की बेटी को गलत शब्द दे दे समझ लो कि आप पूरे जिस्म में आग लग जाती है कि इसको या तो खुद मर जाए या इसको मार दे। लेकिन हम देश की बेटी के साथ ये जो अन्याय हुआ है और इतने मतलब उसके साथ ऐसा हुआ है कि शब्द कह भी नहीं सकते। ये हालात करके उनको मारा गया, उस बेटी के साथ बलात्कार करा गया है, उसके अंग भी काटे गए हैं, उसके 50 से ज़्यादा चाकुओं के घाव भी हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि सर कानून ऐसा सख्त बनना चाहिए कि जो बेटी की तरफ को आँख उठा के नहीं देखे। बेटी हमारी अकेली स्कूल भी जाती है, माँ बाप कहाँ तक बेटी के साथ जाएंगे भाई। स्कूल भी जाती है, ऑफिस में भी ड्यूटी लगती है, पढ़ाई लिखाई कराते हैं कि बेटी अपने बाहर निकलेगी समझेगी तो घर परिवार को समझेगी और वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि ऐसा सख्त कानून बने जिससे कि बेटी हमारी सुरक्षित हों। और आप यहाँ पाए DM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, क्या पूरा मामला? हमारा मामला यही है कि जो राबिया सैफी हैं उनके साथ जो बर्बरता की गई है, जो उनके जो साथ जो बलात्कार हुआ है और हत्या हुई है बलात्कार के बाद, तो राबिया सैफी को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और हमारी जो सुनवाई है वो सरकार करे। और ये आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन की पूरी टीम खड़ी है यहाँ पर। और क्या लगता है चारों आरोपी पकड़े जाएंगे? सरकार अगर CBI जाँच हो, हम चाहते हैं कि राबिया सैफी की CBI जांच करी जाए, पूरी तहकीकात करी जाए जड़ तक कि किस किस ने उसके साथ ये बर्बरता करी गई है, तो शायद पकड़े भी जा सकते हैं दोषी। महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जो है महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बनाए जिसमें बहन बेटी सुरक्षित हो सकें और कहीं भी जा सकें। कहीं ना कहीं देखते आए दिन कहीं ना कहीं रेप पीड़ित कहीं ना कहीं मामला होता रहता है, तो ये मारपीट होती रहती है। जी जी, ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है महिलाओं के सुरक्षित के लिए। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। वो डिफेंस सिविल डिफेंस में वो नौकरी करती थी, वो जब प्रशासन में ही सुरक्षित नहीं है तो आम बहन बेटी वो सुरक्षित कैसे होगी ये बताओ। तो आप अभी DM साहब को ज्ञापन देना है, क्या DM साहब से बात हुई, क्या हुआ? ज्ञापन दिए हैं हम राष्ट्रपति महोदय के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम। हमने मांग की है कि राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, CBI जाँच होनी चाहिए और सख्त कानून बनना चाहिए। हर हालत में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को कहीं सुरक्षा नहीं मिल रही है। इसके लिए ख़ास तौर से इसकी जांच इसलिए हम मांगना चाहते हैं क्योंकि राबिया सैफी जो है वहाँ के जो DM जिलाधिकारी हैं अधिकारी के साथ काम करती थी, जो वहाँ कोष का पैसा जमा होता था राबिया सैफी के पास उसकी चाबी रहा करती थी। तो हमें जो मालूम पड़ा कि जो उसके परिवार उसके माँ बाप के माध्यम से कि उसके माँ बाप को राबिया बताती थी कि ऐसे ऐसे फर्जी तरीके से जो मार्क्स का जो चालान कटता है फर्जी तरीके से चालान बुक छपी हुई थी, तो उससे पैसा जो आता है उसका पैसे का अधिकारी बंटवारा करते हैं।
मेरे पास जो पूरे सबूत है तो उस हमको लग रहा है कि कहीं वो पैसे के बंटवारे में करोड़ों रुपए के घपले के चक्कर में उस राबिया सैफी का कत्ल प्रशासन द्वारा ही किया गया है। रंजिश जो रचाई गई है, साजिश रची गई है, जो नदीम नाम का लड़के को पेश किया गया है कि उसका शादी कर चुका निजाम को जो पेश किया गया कि शादी कर चुका था उसका आदमी है, वो सरासर झूठ है। वो कोई शादी उस लड़की की नहीं हुई, 21 साल की उम्र थी उसकी, 3 महीने से वो तैनात थी, 3 महीने, चौथा महीना चल रहा है लेकिन 3 महीने पूरे उसको हो चुके। अब ये लगा लीजिए उसके पास कि कोई ना कोई तो है जो, अब वहाँ के जो DM हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, क्या नाम उनका, मेहरा नाम है, उसी रोज मेहरा ही लेके गए थे उसको साथ में कुछ आपसी कुछ बात करने के लिए, लेकिन उस चीज़ को कोई पेश नहीं कर पा रहा। उसकी माँ बाप को, उनकी बहन माँ को, भाई को कोई प्रशासन तसल्ली नहीं दे रहा, उनको कोई जानकारी नहीं दे रहा कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी क्या जानकारी जुटाई गई है? जानकारी ये जुटाई गई है कि इसमें सरकार का हाथ है पूरा, अधिकारियों का पूरा हाथ है, और उस लड़की का नाजायज तरीके से उसके साथ जो बर्बरता पूर्वक किया गया है वो घोर अपराध है। उसके लिए चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, उस आदमी को न्याय के तहत, लड़की को न्याय मिलने के लिए उनको फांसी होनी चाहिए, जिससे कोई दूसरी लड़की के साथ, बहन बेटी के साथ कोई ऐसा ना कर सके। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव सरोही है और हम समाज सेवी हैं। अच्छा, ये जो आपने कार्ड लटका रखा है आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन, आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन, हम लोग सभी यहाँ पर पदाधिकारी हैं आदर्श मानव सेवा के, जिसमें चौधरी चंद्रपाल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये वकील अहमद सैफी जो हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे डॉक्टर अखलाक साहब ये बाजू में हैं, ये कोषाध्यक्ष हैं, और मैं भी एक छोटा सा इस फाउंडेशन में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो बतौर प्रवक्ता के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा सरकार का जो एक हम लोगों को भरोसा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस अभियान के तहत इस सरकार की जो नाकामियाँ आ रही हैं, पिछली बार हमने देखा कि जो सत्ताधारी विधायक उन्नाव ज़िले में जिस तरह से बेटी के साथ अपराध हुआ, उसके बाद में आपने हाथरस कांड को देखा, उसमें तो प्रशासन ने हद ही कर दी, देर रात जला डाला उसको, देर रात जला के उसकी अंत्येष्टि की, और अब ये एक कड़ी सी बन चुकी है, ये राबिया सैफी का प्रकरण बन चुका है। धीरे धीरे लोग बागों का इस शासन प्रशासन की जो मतलब कार्य क्षमता है उस पर सवालिया निशान लग चुके हैं। और दूसरा ये है कि हम लोग जिस तरह के समाज में अब रह रहे हैं, तो इस तरह के समाज में बेटियों का जो इस तरह से हम लोग घर में पहले महसूस करते थे, घर से बाहर भी अपना परिवार समाज में महसूस करते थे, तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, तो पिछले 2 वर्षों से शिक्षा तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है बच्चों की, साथ में ये है कि ये जो बेटियों के प्रति इन्होंने जो प्रतिबद्धता अपने उसमें रखी थी एजेंडे में, वो भी पूरी तरह से चौपट नज़र आ रही है। मेरा कहना तो ये है कि इन्हें अब ये जिम्मेदारी से अपने आप ही मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इस जिम्मेदारी को निभाने के लायक ही नहीं है। और इस तरह की जो हम लोगों की जो एक सिस्टम बना हुआ था पौराणिक समय से ही जो सिस्टम बना हुआ था, आज वो भी सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है समाज में, रिश्ते मान मर्यादाएँ सब ख़त्म हो रही हैं। तो इस चीज़ को जल्द से जल्द सरकार को गौर करना चाहिए, और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतते हुए, किसी भी अधिकारी का फेवर करते हुए या शासन प्रशासन को अपनी छवि का ख्याल रखते हुए कोई भी इस तरह की कुंठा नहीं होनी चाहिए अपने दिमाग में से, ये सब चीज़ें निकाल के तब इस लड़की के प्रति जो भी मतलब प्रकरण हुआ है निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। इसमें CBI के जरिए हो या जो भी इनकी मतलब और भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के जरिए इस केस का खुलासा होना चाहिए और दोषियों को कम से कम, जो हमारे भारतीय संविधान में अभी एक कानून पारित हुआ है कि दोष बलात्कार में फांसी की जो सज़ा दी जाती है, और फांसी ही इनको होनी चाहिए। सहयोगी मोहित लोधी के साथ आमिर राणा, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है, कमर रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा,
वे महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है बीएन कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर।